midfielders think there was. यार मुझे तो लगा था ये बहुत ज्यादा मतलब इनलाइन पे चुई है। अच्छा खुद रन आउट हो जाना है, किसी और को नहीं करवाना आज पक्का। और ये कॉर्न बॉल को चेक करो तुम लोग, ओ भाई फुल लेंथ डाइव मारी मोटे ने यार। Here we go, 3 in a row. Assalamualaikum, क्या हाल चाल है आप सबके भाई। वेलकम बैक विद क्रिकेट 24 कैरियर मोड साइटिंग सी वीडियो। सीपीएल हमारा जारी है, लास्ट मैच हम जीते थे, बहुत मजे का जीते थे। परफॉर्मेंस आप भाई कैसी हुई थी, रन आउट्स बहुत करवाए थे जाके, फटाफट वीडियो देखो। आज मैच है बारबाडोस वर्सेस सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स का मैच है, हम अपने होम में खेल रहे हैं एट बारबाडोस और जबरदस्त लाइनअप्स हैं दोनों तरफ। विकेट भाई आज ड्राइव साइड पे है, डे 3 का फुल ऑफ क्रैक्स वाला विकेट है, लेकिन बॉल फिर भी बैट पे अच्छा आएगा, स्पिनर्स को थोड़ी सी मदद मिलेगी यहाँ पे, बट ओवरऑल अच्छा रहेगा क्योंकि छोटा ग्राउंड है, बाउंड्रीज लग सकती है यहाँ पे। सिक्का उछाला आपके भाई ने और उन्होंने चूज किया भाई हेड्स। यार वो लोग टॉस जीतते हैं, देखना है कि वो क्या करते हैं। आई थिंक शायद बैटिंग ही करें, आजकल मेरे तुक्के गलत हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने बैटिंग ही की है यहाँ पे क्योंकि पिच पे यार क्रैक्स थे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ग्राउंड है यार, बहुत खूबसूरत है बारबाडोस। वैसे वर्ल्ड कप भी जो आ रहा है वो वेस्ट इंडीज और यूएसए में आ रहा है, तो इन्हीं ग्राउंड्स को हमें नजर आएंगे, मतलब यही वाले ग्राउंड्स में लोग खेलेंगे सारे प्लेयर्स। आगे दो उनके अच्छे से ओपनर्स, फ्लेचर है भाई, फ्लेचर मारेगा, दूसरा कौन है ये हमारा चेक करो, जॉइंट हमारा भाई, जॉइंट रखा हमने एक, और ये है भाई एवन लुइस आई थिंक। या भाई वो दोनों ओपनर्स अच्छे हैं, एक बार उनकी बैटिंग लाइनअप चेक कर लें यार। एवन लुइस है एंड फ्लेचर है भाई, उसके बाद शेरफेन रदरफोर्ड एक बड़ा नाम आ रहा है, जोशुआ दे सिल्वा एक अच्छा प्लेयर, जॉर्ज लिंडे ठीक है, कॉटरेल बॉलर में है अच्छा, ओशेन थॉमस है, मुजरवानी यार अच्छे बड़े नाम है, बीच में एक आधा मैंने मिस किया है, बार्टलेट वगैरह इनका मुझे पता नहीं, एक दो इस तरह के हैं, बाकी टीम अच्छी होंगी, हमारे से ज्यादा अच्छे नाम है बड़े। लेकिन भाई हमें ज्यादा पैशन है अपने होम में खेलने, पहला निकालूंगा आउट स्विंगर यहाँ पे इसको, बॉल नाइस बॉल ठीक है, गुड हो गया। वेस्ट इंडीज का ना सबसे मजे की चीज क्राउड होता है, बहुत ज्यादा लाइवली होता है और सही अपनी क्रिकेट को एंजॉय करते हैं लोग। बॉलिंग बॉलिंग गुड लाइन है, लेकिन शॉट इतनी प्यारी निकली है बैट से, तुम चेक करो एवन लुइस के, क्या जबरदस्त किस्म की शॉट निकली है यार, बहुत बहुत आला। इस दफा यार करते हैं आउट स्विंग नहीं करूंगा, लेकिन इस पर थोड़ी सी आगे करेंगे मुंह में, क्या बताया ऐसे लग जाए, मोटा खड़ा हुआ पीछे, ओए भाई नहीं, वंस अगेन इन द गैप। यहाँ पे हमें ना आगे नहीं जाना चाहिए ज्यादा, मैं विकेट के लिए जा रहा हूँ आगे, लेकिन वो फायदा नहीं हो रहा, रन लीक हो रहे हैं यार, और इस पिच पे चेजिंग मुश्किल हो जानी है, डेफिनेटली हो जानी है मुश्किल। जबरदस्त शॉट, बहुत अच्छा स्टार्ट दिया भाई लुइस ने, चलो इस दफा जस्ट मारूंगा सीधी सीम मारूंगा, लेकिन तेज सीम अप होगी, तेज होगी, परफेक्ट लाइन भाई परफेक्ट लाइन। इस दफा सेम बॉल करेंगे, थोड़ा सा आफ्टर टच को पीछे रख देंगे, देखते हैं क्या मदद मिलती है इस दफा। ये चीज फेल गया, फील्डिंग अच्छी, लेकिन उसके बल्ले से बॉल बहुत गोली की तरह निकल रहा है यार। चलो कटर अभी तक ट्राई नहीं किया, पिच ऐसी ही है, कटर्स वाली है, मुंह में रख रहा हूँ दोबारा और कटर दे रहा हूँ, आके ड्राइव के लिए एक और इनवाइट करते हैं इसको। ओह दैट इज गॉन, आई थिंक ये विद इन द लाइन है, तो ये बॉल रिव्यू ले लेना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि भाई आउटसाइड द लेग स्टंप पिच नहीं हुई बॉल, कप्तान ने रिव्यू ले लिया है, चेक करते हैं भाई क्या बना है। ए ए यार मुझे तो लगा था ये बहुत ज्यादा मतलब इनलाइन पे चुई है, आउटसाइड द लेग स्टंप यार, रिव्यूज आया हो गया भाई, लेकिन इस चीज से पता चला है कि ये विकेट जो है ना कटर्स वाले विकेट है। चलो जी एंड्रे फ्लेचर यार ऑन स्ट्राइक है, विद मैककॉय दूसरे तरफ से बॉलिंग कर रहा है, और ये सिमुलेट होगा सीधा हम पेगा, ओए होए भाई मैककॉय ने एक आउट कर दिया यार, अंडे पे यार अंडे पे गया, ये चेक करो एंड्रे फ्लेचर इज गॉन ऑन अ गोल्डन डक, क्या बात है, पॉवेल ने कैच किया है, खतरनाक प्लेयर आउट हो गया एक और। चलो जानी आप करो अपनी फास्टेस्ट बॉल करो यहाँ पे, ठीक है बच गया भाई, क्राउड देखो इतना शोक है ना वेस्ट इंडीज वालों को, फुल हाउस बैठा हुआ भी यहाँ पे, थोड़ी सी विड्थ दूंगा इसको, लेकिन कटर होगा ये, शायद ट्रैप में आ जाए, शॉट में गया लेकिन बच गया भाई यार, एक बाउंसर करने लगा और ये होगा क्रॉस सीमर बाउंसर, देखते हैं मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा बाउंस होगा यहाँ पे। ओ भाई ऑन टॉप होकर खेला है एवन लुइस आज खतरनाक लग रहा है मुझे, ये मुझे लग रहा है लड़का 50 प्लस ही मारेगा अगर आउट ना किया ना इसको। अब करते हैं आगे रखिए लेग कटर, अंदर को आएगा क्या पता बोल्ड है, और नहीं भाई बोल्ड क्या, ये तो शॉट्स रुकी नरीज की, चलो रोको रोको जानी, थ्रो कर दो भाई थ्रो कर दो, चलो दो रन ले गया। लुइस के बच्चे को ना एक बॉल यहाँ से आके करते हैं और कटर करके बाहर को निकालने की कोशिश करते हैं, परफेक्ट, ओ अब तो दे दो परफेक्ट बॉल ऑफ कटर, गुड लेंथ से थोड़ा सा आगे पिच हुआ है, मुंह में थी बॉल ऑलमोस्ट ड्राइव वाली थी, लेकिन कटर था यहाँ पे, तब आपके भाई ने क्लेवर बॉलिंग की है। एवन लुइस इज गॉन यार, ये देखो भाई विद इन द लाइन पड़ी है, पढ़ के सीधी होगी थी बॉल क्योंकि कटर था,
एंगल के साथ उधर को नहीं की और ये तो डेड प्लान है भाई। चलो जी, एवन लव्स इज गॉन यार। सरफेन रदरफोर्ड कम्स इन, पीएसएल में इसने अच्छा खेला, हम सबको पता है जिस जिसने पीएसएल फॉलो की थी। जरा एक बार हम चेक कर लेंगे भाई रिव्यू में बॉल कहाँ जाके लग रहा था। हमें आइडिया हो जाता है ना नेक्स्ट बॉल के लिए कि हमने कहाँ तक बॉल रखनी है, कितना फिरेगा, कितना बाउंस है इसमें। ये चेक करो कैसा बॉल पड़ के सीधा हुआ है। आए हाय हाय, क्या विकेट आया। एक और खब्बा आया भाई, सरफेन रदरफोर्ड भी वेस्ट इंडीज में लेफ्टी बहुत, लेफ्टी बहुत क्लासी लगते हैं बैट्समैन। ओए दिस टाइम प्लेयर वेल, तैयार था भाई वो इस चीज़ के लिए। जस्ट ओए गंदी थ्रो अभी जानी, शुक्र है बैकअप होता है यार। चलो दोस्तों 21 पर 2 हो गए हैं, एक हम ले गए हैं, एक हमारे शहजादे मैकॉय ले गया था विकेट। और आई थिंक एक और ओवर कर दिया जाए फिर। चलो कर देते हैं एक और ओवर यार, अगर ऊपर से विकेट एक आधी और मिल जाए ना तो हम शुरू में इनको हिला के रख देंगे। ये अंदर को आएगी, ठीक है ठीक है, कट्टर वाला विकेट। अबे जानी स्कोर नहीं करवाना इस तरह यार। एक काम करते हैं आगे देते हैं और कट्टर करेंगे, ड्राइव के लिए बुलाते हैं इसको और ये जो हो सकता है। ओए नहीं भाई, प्लेयर रियली वेल, सीधा फील्डर के हाथ में। अचानक से ना एक बॉल अंदर ले आनी है और वो यही वाला बॉल है। ये देखो लेग तो खेल तो सकता है लेकिन रिस्की था, चौका पड़ गया यार। स्लो करें, फुल स्लो, फुल टाइम स्लो कटर। ये चीज पकड़ो पकड़ो पकड़ो, निकलनी चाहिए। शाबाश शाबाश, नॉन स्ट्राइकर वाले एंड पे जो बैट्समैन था उसी ने अपने आप को मार लिया। एक करते हैं जबरदस्त आउट स्विंगर, तेज रखे करेंगे। यार बुरी बॉलिंग हो रही है आज, विड्थ ज़्यादा दे रहा हूँ, बाहर को बॉल निकली है उसके पास काफ़ी जगह मिल जाती है कि वो बल्ला घुमा के कहीं भी खेल सकता है। इस दफा करेंगे भाई एक लीथल बाउंसर। ये एच लगा, ओए बच गया भाई, अच्छी बॉल। नो आईएस ओवर में थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया लेकिन अच्छे जा रहे हैं अभी तक हम। ओ भाई 119/9 लास्ट में लेकर आए हैं, सरफेन रदरफोर्ड खड़ा है अभी कप्तान को। लास्ट ओवर उन्होंने कहा कप्तान जी अब एक ओवर कर लो अपना और आउट कर दो। चेक करें जरा किसने दवाई फेरी इतनी भाई। अब उबैद मैकॉय चेक करो विकेट्स यार, चार लड़का विकेट्स ले गया, ठीक शाना 2 लेके गया, कैस अहमद भी 2 लग गया और एक आपके भाई को मिली है। चांस है कि हम एक और विकेट ले रहे हैं। सरफेन रदरफोर्ड अभी तक खड़ा हुआ है, पिच मुश्किल है भाई। वो उसने मेक श्योर किया कि वो खड़ा रहे पिच पे और कुछ स्कोर कर अपनी साइड के लिए। जरा फील्डिंग खोल लें थोड़ी सी, मार पड़ सकती है लास्ट ओवर में। चलो यार फील्डिंग लुकिंग नाइस, ठीक है। बॉलिंग बॉलिंग कैच है, ये गया मोटे ने पकड़ लिया, विकेट मिल गया और इसके साथ इनिंग्स खत्म हुई भाई। सेंट किट्स की विकेट का चांस था हमारे पास और वही हमारे साथ हुआ है। बड़ी शॉट खेलने के लिए गया है और यहाँ पे उसने करनी थी बड़ी शॉट मारनी, इसलिए फील्डिंग आपके भाई ने अच्छी खड़ी की थी। अच्छा जेसन होल्डर है, मैं समझा हूँ कि वो खड़ा हुआ था रहीम कॉर्न बॉल। गुड कैच यार, जिसने पकड़ा है कौन है कौन ये भाई। मैकॉय ने कैच पकड़ा था, 49 पे आउट हो गया था। रदरफोर्ड 120 का टारगेट है, छोटा सा टारगेट है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है हमने और यही हमें चाहिए था यहाँ पे आज। ब्लेसिंग मुजर रबानी भाई, जिम्बाब्वे से लड़का पकड़ा है इन लोगों ने। स्टार्ट सीन है मुजर रबानी का, अटैक कर देते हैं यार। ये मुश्किल बॉल थी, आउट स्विंगर था, बॉल के ऊपर रीच भी नहीं की मैंने। शॉट भाई व्हाट अ, ओए नहीं 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 नहीं, शॉट अच्छी थी बगर नॉट इन द गैप। आज रन आउट नहीं करवाने बिल्कुल भी, पिछली बार बहुत रन आउट करवाया मैंने यार। दिल करे फ्लायर स्टार्ट दूँ अपने साइड को ताकि कुछ टोटल का मसला ही ना हो हमें। ऐसे करके फील्डर है लेकिन भाई शॉट पक्की लगी हुई है। 6 रन्स, कितने मीटर का मारा भाई, 68 मीटर्स का मारा चक्का हमने यहाँ पे। शॉट है, पंच किया 1 रन के लिए, गुड हो गया। स्ट्राइक रोटेट साथ साथ करते रहना है। अच्छा कुछ लोग अपने घरों के बाहर खड़े होकर मैच देख रहे हैं यार, ब्यूटीफुल व्यू भाई। 5 बॉल्स पे 8 है, मेयर से हमें सिंगल करवाइए सिर्फ, क्योंकि हम चल रहे हैं और हम उठा के खेल सकते हैं। छक्का नहीं होगा इस दफ़ा, 4 रन्स के लिए, गुड शॉट। और शेन थॉमस, पता नहीं मैं खेलूंगा या मेरा दोस्त खेलेगा उसको, लेकिन दोस्त ने सिंगल करवा दिया आज। दोस्त कह रहा है भाई आप खेलो ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा बस रन आउट ना करवाना प्लीज़। शॉट है, कट किया, ये मसला हो सकता है, ये मसला हो सकता है। अच्छा अच्छा खुद रन आउट हो जाना है, किसी और को नहीं करवाना आज पक्का भाई। जोल गार्नर एंड से आ रहा है मुजर रबानी, इतने बड़े बड़े लेजेंड्स इस ग्राउंड में खेलते थे ना एक ज़माने में और आजकल नए लेजेंड्स आ गए हैं। कवर ड्राइव की लेकिन फिल्टर के हाथ में, ड्राइव बड़ी प्यारी हुई थी यार। अरसा ही हो गया चिप शॉट नहीं खेली, ट्राई कर लें। चलो ट्राई करते हैं भाई, चलो पकड़ा तो नहीं थी मैंने। चिप शॉट भी 6 के लिए चली गई भाई, व्हाट अ टाइमिंग यहाँ पे यार, व्हाट अ लवली टाइमिंग। बहुत बहुत प्यारी शॉट मारी है, चिप शॉट था। वैसे मैंने देखा गेम में थोड़ी सी ओवर पावर है, ज़्यादा अच्छी निकल जाती है चाहे टाइमिंग गंदी भी हो जाए उसमें। ये वैसे उठा के खेलने वाली शॉट थी, चलो मुझे लगा था मैं बाज नहीं आया अपने कामों से ना, रन आउट बच गया मेरा दोस्त। ओ ओ ओ ओ ओ ओ भाई एक चीज़ हमने देखी नहीं है, एक आउट हो गया, थॉमस ने आउट कर दिया बोल्ड उसको, कॉर्नवॉल ने भाई इस डाइव मारी है ये। यार चेक करो मैंने यहाँ पर रन कैंसिल किया एट द लास्ट मोमेंट और ये कॉर्नवॉल को चेक करो तुम लोग। ओ भाई फुल लेंथ डाइव मारी मोटे ने यार,
कप्तान साहब ने कहा रन बनाना ही नहीं है, खड़े होके मारनी है और बड़ी बड़ी शॉट्स मारनी है। ये शॉट लगी है सही, फुल आइडियल टाइम हुई है और लंबा छक्का गया यार ये तो। 108 मीटर्स का छक्का, 2.4 ओवर्स में 30 हो चुका हुआ है, बहुत अच्छी गोइंग हो रही है अपनी। ओए गंदी शॉट खेल गया मैं भाई। ऑन टू 24, 11 बॉल्स पे मुजारबानी की पिटाई हमने कर दी अच्छी खासी और मुजारबानी बाज नहीं आ रहा मुंह में देने से। इस दफा चौका होगा और प्ले का ये होता है यूज यार जो हम कर रहे हैं आज। 35-1 इस वक्त बारबाडोस। ओए बच गए भाई, फील्डर जैसे भागा था ना, मैंने कहा डाइव ना कर दे गई। ऑन बॉल शुक्र खड़ा हुआ, अभी तक पार्टनरशिप हम दोनों की लग नहीं रही इस तरीके से ना। शॉट है, आजू आजू मोटा जी, भाईजान आप तेज हो जाए यार। वैसे ये हर बार फील्डर बीच में आया था बॉलर, वरना डायरेक्ट लगने देना अगर आउट हो सकते हैं। शेल्टन कॉटरेल कम्स इन, ये अच्छा बॉलर है यार, लेकिन रन रेट जो रिक्वायर्ड है ना वो 4.7 का रह गया सिर्फ। ये अच्छा एक्शन भी इसका ना प्रॉपर एक्शन है, असली एक्शन ये में डाला हुआ है। नो रन यार, आजो आजो आप आजो। हजूर पुअर यार, ना कोई बैकअप है ना इनकी थ्रो लगी मेरी विकेट्स में। भाई कॉर्न बॉल ने तो पिटाई कर दी है यार, 13 बॉलों पर 14 एकदम से रन उठाए इसने, ज़बरदस्त। जानी मार दो जान, फील्डर मौजूद है लेकिन फ्लैट और लंबा जोरदार छक्का इन द जोन में ली, रीच कर ली। लो फुल टॉस था लेकिन बल्ले के बीच में से मिडल हुई और जो आवाज़ आई थी ना बॉल की, जबरदस्त। 57-1, 140 किलोमीटर की ये पेस है इसके पास, पेस है। फील्डर भी मौजूद है लेकिन बाउंड्रीज वेस्ट इंडीज में छोटी मिलती हैं यार, जोन में मिले ना तो भाई मार दो बस। नो बॉल, ओ हो, तीन ना रो सकते हैं छक्के, चांस है भाई हैट्रिक ऑफ सक्सेस करने का हमारे पास। कॉटरेल के तो पहले ओवर में पेल दिया हमने। Here we go, three in a row. That's the big one. क्या बात है, जबरदस्त पार्टनरशिप यार विद द बिग मैन। 7 ओवर में 70 यार। इस पिच पे भी आपके भाई ने कहा आज जाने दो, आज तो बैटिंग खुल के करने दो मुझे। ये दैट इज द 50 फ्लिक की, नो नो जस्ट अ सिंगल, सोचा था दो ले लूं लेकिन नहीं भाई। आइकॉनिक ग्राउंड में जबरदस्त किस्म की 50 की है भाई ने और कमाल हो गया आज तो, मजा आया। मुजरवानी आ जाओ यार, अब कुछ खास बचा नहीं है। 30-29 कॉर्नवॉल खेल रहा है, 19-50 आपका भाई खेल रहा है और हम यहाँ पे अच्छे खासे अपना रन रेट भी अच्छा करेंगे आज। जल्दी चेस करके ड्राइव अच्छी है, ये तो ड्राइव बनती थी आपके भाई की, अब रिजर्व करते थे हम एक कवर ड्राइव इतनी प्यारी से 4 रन चाहिए। लो जी 94-1 है, आज तो फुल डोमिनेट कर रहे हैं यार। कट करो, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट ना कह सकते हो गया हूँ, थोड़ा सा लेट खेल गए। मेरा था कि कट कर देगा, इशारा कर देगा, नहीं ब्रो यू हैव टू गो यार। फाइनली भाई मुजारबानी का शिकार हुए हम। शॉट तो थी वैसे मारने वाली लेकिन थोड़ी सी बॉल नीचे रह गई, अंडर एज हुआ है। फ्लेचर ने अच्छा कैच लिया, 54 किया कि भाई ने आज, आज तो ठोका है हमने सही। जस्टिन ग्रीव्स आ जाओ और मैच बस पार करवा दो। 123-2 भाई हम जीत गए हैं, ऑलमोस्ट 6.5 ओवर्स पहले हम जीते हैं आज। कौन वॉल खड़ा रहा, नॉट आउट, जबरदस्त लड़के। 8 विकेट से बारबाडोस की रन हुई आज और आज आपका भाई मैन ऑफ द मैच है। लास्ट मैच में भी स्कोर हमने किया था लेकिन मैन ऑफ द मैच नहीं बने थे क्योंकि भाई रन आउट्स बहुत ज़्यादा करवाए थे और आउट हो गए थे एंड में। ग्रेट गेम, हाउ डू यू फील अबाउट योर परफॉर्मेंस भाई? रियली जस्ट गेव इट ऑल आई कुड आउट देयर, आई एम ग्लैड इट पेड ऑफ। ठीक है भाई, देयर इज नथिंग योर फैंस लव मोर देन सीइंग यू डिलीवर अ विन एट होम, इट्स लाइक दे आर एक्स्ट्रा टीममेट आउट देयर, इजंट इट? 100% they are part of the team bhai. Finally, how are you going to go and recover for the next match? Sleep so much sleep kehte hain aaj. Chalo ji, ye hai bhai match ki summary. Umeed hai video achhi lagi hogi, agar achhi lagi hai to please like kar do, channel ko subscribe kar do, comment box mein apne acche acche feedback diya karo please, bure ho to bhi de diya karo. Milte hain next video ke sath, apna bahut sa khayal rakhna, take care, Allah Hafiz aur goodbye.